नमस्कार दोस्तों, हमारे खट्टी मीठी रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ उपमा। तो चलिए देखते हैं उपमा बनाने के लिए मुझे सामान क्या क्या चाहिए। एक कटोरी मेरा सूजी है, 50 ग्राम हरा मटर, 50 ग्राम गाजर, 50 ग्राम शिमला मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार, चना दाल जो हमने 2 घंटा पहले भिगो के रखी थी, 50 ग्राम है, 50 ग्राम मूंगफली, 50 ग्राम चुकंदर, ये मेरा तेल है सरसों का, मैं सरसों तेल से बनाऊंगी, 2 हरी मिर्च जो मैंने काट लिया है, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ है, एक प्याज है जो हमने बारीक काट लिया है, एक कढ़ी पत्ता है। अगर आपके तरफ कढ़ी पत्ता ना मिले तो बिना कढ़ी पत्ते के भी अच्छे स्वादिष्ट बना सकते हैं। चलिए देखिए, गैस पे मैंने एक पैन रख दी हूँ, मैं गैस को ऑन करूंगी। तेल डाल दिया है, मेरा गैस पे तेल गरम हो रहा है, अब मैं फ्राई करूंगी। सबसे पहले मैं मटर को फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करके मैं इस कटोरी में सबको रख लूंगी। देखिए, हमने चने दाल को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब मैं इसके बाद चुकंदर फ्राई करूंगी। दोस्तों, मैंने शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया है, चने दाल को, मूंगफली, मटर सबको मैंने फ्राई कर लिया है। अब देखिए, इसमें चुकंदर फ्राई कर रही हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से फ्राई करना है, इसमें कड़वापन जो है वो खत्म हो जाए। चुकंदर भी मेरा अच्छे से फ्राई हो गया। दोस्तों, मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, अब इसमें 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। हो गया है, अब मैं इसमें प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता को भी ऐसे तोड़ के डाल लेंगे, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कड़ी पत्ता भी थोड़ा मेरा हल्का फ्राई हो जा, फिर उसके बाद मैं सब डालूंगी। मेरा प्याज, हरा मिर्च, कड़ी पत्ता ब्राउन हो गया तो मैं सब डाल दिया है। इसमें जो फ्राई की थी गाजर, मटर, चुकंदर, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। मेरा पानी 1 कप है, अब मैं इसको थोड़ा पकने दूंगी। कि हमने 1 चम्मच नमक लिया है, अब मुझे तब तक पकाना है जब तक कि पानी में उबाल ना आ जाए। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, अब मैं इसमें सूजी डालूंगी। हमने पहले इसमें 1 कप पानी डाला था, देखिए अच्छे से मेरा नहीं खिल पाएगा, इसलिए मुझे 1/2 कप और पानी डालना है कि मेरा अच्छे से सूजी खिल जाए। ये सब मुझे अच्छे से मिक्स करना है इसमें। देखिए दोस्तों, इसमें चुकंदर डालने से सूजी का कलर रेड हो गया है, अब मुझे इसको अच्छे से भूनना है जब तक कि पूरा सूख न जाए अच्छे से, तब तक मुझे इसको भूनना है। देखिए, लगभग मेरा हो चुका है, थोड़ा सा मुझे और भूनना है। जैसे आप सूजी का हलवा घर में बनाती हैं, सेम वैसे ही बनाना है, थोड़ा उसे सॉफ्ट बनाना है। तो मेरा अच्छे से बन गया है, इतना सूजी पकाने में मुझे 1 से 1.5 कप पानी लगा है। अब मैं इसमें धनिया पत्ता डाल के थोड़ा मिला लेती हूँ और ऊपर से गार्निश कर लूंगी, और धनिया पत्ते से ये बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। आप भी अपने घर में जरूर बनाएं नाश्ता में, बच्चे सबको भी बहुत पसंद आता है। तो मेरा उपमा बन के तैयार हो गया है, खाने के लिए रेडी है। आप भी अपने घर में जरूर बनाइए, ये बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।